अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है, उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखें और एक वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यहाँ कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक यह बिल सदन में नहीं आया। अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देश से लिया है, तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज पर प्रतिबंध लगा सकता हो। आज 3 बड़े बड़े देश हैं जहां से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुटपुट अन्य देशों से। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला हुआ है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में जहां यहां पिछड़े क्षेत्रों में जाए, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में जाए तो वहां भी यही खेल खेला जा रहा है। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है,
उसकी काफी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है, बिजली का भी काफी विकास हुआ है, लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। अभी जो जनगणना हुई है उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बड़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें, देहातों के जीवन को पवित्र करें, लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त है, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। देहात के जीवन में दो प्रकार की चीजें थी, एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे लोग वे थे जो रुपए का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहां तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है। इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है।